हेलो एवरीवन, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ब्राइडल मेकअप। रियल ब्राइडल मेकअप है और ये मेकअप करेंगी मेरी दीदी, सबसे बड़ी वाली दीदी। इनका भी पार्लर है मेरठ में, तो मैं मेरठ गई हुई थी तो मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया और आपके साथ वन बाय वन शेयर करूंगी कि किस तरीके से किया। और आप प्लीज़ कॉमेंट करके बताना कि आपको इनका मेकअप कैसे लगा। है ना, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगी, जो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि और बेटर हो सकती थी। वैसे स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगेगी, बट लास्ट में ना वो बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ था, मेकअप बहुत अच्छा हुआ था। तो आप पूरा देखें। तो सबसे पहले हमने इनका क्या क्या फेस क्लीन किया, मतलब मेरी दीदी ने। फिर इनको निविया का मॉइस्चराइज़र लगाया, उसके बाद में आईब्रो की शेप दी। आईब्रो की शेप देने के बाद इनको कंसीलर किया है एंड राइज के ऊपर, उसको ब्लेंड कर रही हैं दीदी एक ब्यूटी ब्लेंडर के साथ में। और इनके फीचर्स बहुत अच्छे थे। आई का जो गैप होता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इनके ऊपर। और यहाँ पे सबसे पहले मेरी दीदी ने क्या लिया, ब्राउन कलर का एक शेड लिया था, उससे एक क्रीज लाइन पे एक लाइन ड्रॉ करी है रफली। अभी आपको लगेगा कि ना ये बिल्कुल रखा हुआ सा शेड है, बट लास्ट में बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि दीदी ने इसको मर्ज किया था। उसके बाद में ये कट क्रीज कर रही है और ये है क्रायलोन का आइवरी शेड, इससे इन्होंने किया है कट क्रीज। कट क्रीज करने के बाद फिंगर से ही लिया है इन्होंने गोल्डन कलर का शेड। और ये जो पैलेट थी, ये थी मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट। तो अगर आप आई शेडो पैलेट खरीदना चाह रहे हैं रीजनेबल प्राइस में और बहुत अच्छी क्वालिटी में, तो आप मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट ले सकते हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। उसके बाद दीदी क्या कर रही हैं, थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर का और रेड कलर का मिक्स कलर का एक शेड बनाया है, उसको आउटर वी में इस तरीके से ब्लेंड कर रही हैं। और देख लीजिए, जो हार्श लाइन दिख रही थी ना ऐसे रखी हुई, उसको दीदी ने कितने अच्छे से इसको ब्लेंड कर दिया है ना। तो स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा कि ये कैसे किया है, बट अभी आप देख लीजिए बिल्कुल ब्लेंडेड हो गया है ये मेकअप, ठीक है। देन इसके बाद में दीदी ने क्या किया है, इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया है एक स्किन कलर के हाइलाइटर के साथ में। फिर उसके बाद दीदी क्या कर रही हैं, यहाँ पे लगा रही हैं ग्लिटर ग्लू, क्योंकि इनके ऊपर हमें लगाना है ग्लिटर। तो आप देख लीजिए, ये दो ग्लिटर हैं, एक गोल्डन कलर का है और एक सिल्वर से मल्टी कलर का है। तो दोनों कलर को मिक्स करके फिर दीदी इनके आईलेट के ऊपर लगाएंगी ग्लू। और आप भी जब भी ग्लिटर से काम करें तो ग्लू सबसे पहले लगाएं और उसके बाद में भी लगाएं ग्लिटर लगाने के बाद। इससे क्या होता है ना कि जो पार्टिकल्स है बिल्कुल सेट हो जाते हैं, बिल्कुल भी आपके आईलैशेस के ऊपर गिरेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हो गया आई मेकअप डन। देन इसके बाद यहाँ पे दीदी लगा रही हैं लैक्मे का आईलाइनर और आप देख लीजिए आँखें इनकी कितनी खूबसूरत लग रही है। सीरियसली कह रही हूँ गाइस, लास्ट में ना ये दुल्हन इतनी प्यारी लग रही थी, मुझे बहुत पसंद, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, ठीक है। देन यहाँ पे दीदी ने लगा दी है इनको आई लैशेस और अभी इनका होगा बेस मेकअप। तो बेस मेकअप के लिए यहाँ पे दीदी ने लिया है लॉरियल का फाउंडेशन। और आप सोचेंगे ना कि लॉरियल का फाउंडेशन इतना सस्ता वाला लगा रहे हैं, तो मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरी दीदी के यहाँ पे जो रेट है ना वो इतने ज़्यादा रीज़नेबल हैं, हद से ज़्यादा रीज़नेबल। तो इस वजह से भाई वैसा ही चीज़ें लगानी पड़ती हैं, बिकॉज वहाँ पर उतने ज़्यादा रेट देते नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर से दीदी कर रही है ब्लेंड। तो मैं ज़्यादातर मेरे पार्लर में मैं किस तरीके से बेस बनाती हूँ, फाउंडेशन लेती हूँ, उसको पहले मैं स्प्रेड कर लेती हूँ किसी ब्रश से अच्छे से उसको मीन्स उसको पूरे फेस पे मैं लगा देती हूँ। देन इसके बाद में मैं ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड करती हूँ, मुझे यही तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मुझे ऐसा लगता है ना कहीं पैची हो गया, बट ये पूरा दीदी ने अच्छे से ब्लेंड कर दिया था इसको। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है बट अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, ठीक है। देन इसके बाद दीदी ने लिया है आइवरी शेड क्रायलोन का और इससे हाइलाइटेड एरिया पे इस तरीके से लगा रही हैं दीदी अंडर आइज के नीचे, नोज़ के ऊपर, फोरहेड के ऊपर, और उसको फिर से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हैं। तो अगर आप एक अच्छा और सस्ता कंसीलर ख़रीदना चाहते ना, तो आप स्विस ब्यूटी का कंसीलर लेना, सीरियसली वो इतना ज़्यादा अमेजिंग वर्क करता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और काफ़ी 183 के अराउंड में आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके बाद दीदी क्या कर रही हैं, पाउडर से सेट कर रही हैं
जो भी फाउंडेशन और कंसीलर लगाया था पाउडर से सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो आप दुल्हन कहीं भी अपने चेहरे पे हाथ लगाएगी ना वो मेकअप हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो पाउडर से सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे दीदी लगा रही हैं लिप लाइनर, और ये जो लिप लाइनर है ये है स्विस ब्यूटी की। तो अगर आप एक अच्छी लिप लाइनर देखना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं स्विस ब्यूटी की, 48 या 49 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। नायका, अमेजोन, कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे लगा रही हैं दीदी काजल, और यहाँ पे थोड़ी सी दुल्हन को इरिटेशन हो रही थी क्योंकि काजल लगाने पे अक्सर दुल्हन की आंखों में या तो पानी आता है या तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है क्योंकि आधी नहीं होती है ना काजल लगाने की इस वजह से। ठीक है, देन यहाँ पे लगा रही हैं दीदी ब्लशर, और ये जो ब्लशर पैलेट है ये है मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट, बहुत अच्छी पैलेट है, काफ़ी प्राइस भी बहुत अच्छा है, रीज़नेबल है और वर्क बहुत अच्छे से करता है। ठीक है, तो अभी आपको लग रहा होगा ना कि एक साइड थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, बट दीदी क्या करेंगे उसको पाउडर से सेट कर देंगे तो वो बिल्कुल इवन स्किन में मर्ज हो जाएगा, है ना। देन यहाँ पे दीदी ने ली है रेड कलर की लिपस्टिक इनकी ड्रेस से मिलती हुई, और अभी आप बताना आपको इनका पूरा का पूरा लुक कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो भी आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट करना, और ऐसे ही मैं वीडियो लेके आती रहूँगी। अभी मुझे ब्राइडल की बहुत सारी वीडियो बनानी है, ये तो रियल ब्राइडल थी है ना, कुछ कुछ चीज़ें हमने रिकॉर्ड कर ली थी बट पूरा का पूरा रिकॉर्ड करना ना मुश्किल हो जाता है बिकॉज दुल्हन के साथ में और भी काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको तैयार करना पड़ता है, तो कैमरा संभाले या फिर उन लोगों को संभाले ना, बट फिर भी मुझसे जितना हुआ मैंने मैनेज किया। और ये है मेरी दीदी जो कि पूरा का पूरा इन्होंने मेकअप किया, मैंने बिल्कुल भी नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई इनकी क्लाइंट हैं, अगर मैं इसमें कुछ हाथ दूंगी तो इनको लगेगा कि मैंने किया, तो मेरी दीदी को उतना क्रेडिट मिलेगा नहीं। एंड सी कितना सुंदर लग रही है ना, बहुत सुंदर लग रही थी, दुल्हन को बहुत पसंद आया। और मैं आपको बता दूं मेरी दीदी के यहाँ पे ना बहुत कम प्राइस लेते हैं, मतलब जितना मैं अपना 3 गुना मैं मेरे पार्लर में लेती हूँ ना नोएडा में, उससे हाफ से भी हाफ मेरी दीदी के यहाँ पे चार्ज करते हैं। तो उस हिसाब से मेरी दीदी बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, मतलब मेरी दीदी में ना मेरी दीदी के यहाँ पे एक तरह से फेमस है वो अपने एरिए में क्योंकि मेकअप अच्छा करती है, रेट बहुत कम है और दुल्हन को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो गाइज़ आपको बताना आपको ये दुल्हन कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, जज मत करना प्रोडक्ट को लेके। प्रोडक्ट भी मेरी दीदी ने अच्छे यूज़ करे हैं, बट कभी क्या होता ना हमें क्लाइंट के हिसाब से ही चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं कि सामने वाला हमें पैसे कितने दे रहे हैं, है ना। और अगर वो 4-5 हज़ार रुपये दे रहे हैं और हम उसमें बिल्कुल हाई से हाईएस्ट ब्रांड के प्रोडक्ट लगा दें तो उसमें क्या ही बचेगा ना। तो बट उस हिसाब से मेरी दीदी बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, एंड सी आई मेकअप कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना, और आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं आप वो भी मुझे कमेंट करना। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।